मारे धान देखा थे एक देखने इसका मुंडी किधर है ये कुल अपनी बॉडी को समेट के। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अवध बिहारी और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अवध बिहारी में। दोस्तों अभी अभी हमें एक कॉल आया है कि हमारे कुछ मजदूर भाई हैं काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने सरपंच को कॉल करके बताया कि उन्होंने कोई सांप देखा है। फिर उन्होंने अपने सरपंच जब उनके सरपंच ने फिर हमारे हमसे संपर्क किया कि भैया हमारे खेत में काम चल रहा है वहाँ पे एक सांप देखा गया है। तो आइए ऐसे में लोगों को सांपों से और सांपों को लोगों से बचाते हैं, देखते हैं सांप कौन सा है और कहाँ पे है। और इससे पहले कि हम सांप का रेस्क्यू करें जानते हैं उस शख्स की जुबानी जिन्होंने हमें कॉल करके यहाँ बुलाया। सरपंच साहब आपने हमें कॉल किया था यहाँ पे? जी। तो सबसे पहले आप हमें ये जगह का नाम और एड्रेस बताइए यहाँ पे। मेरा नाम नागेश चंद्रवंशी है, मैं सरपंच ग्राम पंचायत मुर्रा जनपद पंचायत धंधा। ये हमारे यहाँ मनरेगा मजदूर जो है काम कर रहे थे उसी दरमियान इनके द्वारा सांप देखा गया और मुझे कॉल किया गया। तो मैंने हमारे नज़दीकी लिमतरा में जो रहते हैं टिल्लू भाई उनसे संपर्क किया और अवध भैया का नंबर लेके इनको कॉल किया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सांप कौन सा है और कहाँ पे है। चल दिखाइए मुझे जगह को, वो स्पॉट जहाँ पे देखा था मजदूरों ने। और ये भी स्पॉट पे नहीं पहुँचे थे, ये भी हमारे साथ साथ अभी पहुँचे हैं ये, और तो हमें लेके जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे इन्होंने सांप की होने की जानकारी इनको मिली थी। और देखिए दोस्तों ये यहीं पे है वो जो मनरेगा का काम चल रहा था। और यहाँ क्या आप लोगों का लंच का छुट्टी हुआ है? अभी लंच का छुट्टी हुआ है और यहाँ पे माताएं बहनें सब अपना भोजन ले रही हैं और इन्होंने ही सांप की जानकारी होने की अपने सरपंच साहब को दी और उन्होंने फिर हमें कॉल करके इसकी जानकारी दी। तो आइए देखते हैं और देखिए किस प्रकार लोग उत्सुक हैं सांप को देखने के लिए। कहाँ पे देखे थे भैया? ये यहाँ पर जब कौन देखा इसको पहले? ये मजदूर लोग ही देखे यहाँ जो काम कर रहे थे। अच्छा, और ये सरपंच सर ये काम कब से चल रही है? ये तो आज ही का काम है। आज ही काम है जी। और मतलब कितने घंटे पहले की घटना है ये? ये लगभग एक डेढ़ घंटा पहले दिखा है ये। और दोस्तों आज मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे इस लिमतरा ग्राम के हमारे ये भी स्नेक रेस्क्यूअर हैं। तो भैया आप सबसे पहले आप अपना नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम टीलेश्वर टिकरिया, मैं ग्राम लिमतरा से हूँ। अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपने हमें जानकारी दी इसकी। और इन्होंने अपने स्तर पे मतलब इस सांप को यहाँ पे रोके रखा, देख के रखा, जब इनसे हैंडल नहीं हुआ तो इन्होंने फिर हमें कॉल करके हमें यहाँ पे बुलाया। तो आज हम इस सांप का रेस्क्यू इनकी मदद से करेंगे। तो टिल्लू भैया सबसे पहले तो हम इस सांप को देखते हैं कौन सा है। और जी हाँ दोस्तों आप कैमरामैन एक बार जूम करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। और ये देखिए यही है वो सांप जो मिट्टी के ढेले के पीछे छुपा बैठा था। और जब कोई भैया इन्होंने यहाँ पे इस ढेला को हटाने की कोशिश की तो इन्हें सांप का बॉडी हल्का सा दिखाई दिया, काफ़ी बिग साइज का है। तो इन्होंने फिर हमें कॉल किया, हमसे संपर्क साधा और फिर हम आए यहाँ पे इसका रेस्क्यू करने। और मैं दिखाता हूँ निकाल के आपको और देखिए किस प्रकार ये अपनी बॉडी को समेटे हुए यहाँ पे। और आप ये देख के समझ ही गए होंगे कि सांप कौन सा है। भैया अंदर बिल है क्या इसके? इसके अंदर बिल निकला है भैया, बाहर से मिट्टी फेंका हुआ है। अच्छा अच्छा, मिट्टी फेंका हुआ है उसमें। तो दोस्तों अब देखना ये है कि सांप कितनी गहराई तक छुपा है अंदर। ये लो एक मिनट थोड़ा ये ढीला हटाना। तो चलो आओ तुम और काफ़ी ख़तरनाक और रिस्की होता है दोस्तों इस प्रकार का रेस्क्यू, क्योंकि सांप का बॉडी किधर है और मुंह किधर है ये हम भी नहीं जानते। और देखिए किस प्रकार बिल्कुल एकदम ये टिल्लो थोड़ा सा पकड़ना तो ये इस ढेले को। पैर हटाना
और देखिए दोस्तों किस प्रकार ये बिल्कुल अपनी बॉडी को समेट के तो चलिए अब इसे हम यहाँ से निकालते हैं। और अभी भी ये काफ़ी टिल्लू छोड़ पकड़ना, तो ये आप पकड़ देखो ना, एक मिनट। और ऐसे में आप थोड़ा सा बस पकड़ के रखो, मैं ये थोड़ा सा ऊपर से ये मिट्टी हटा दूँ, फिर देखते हैं अपन ये कितनी गहराई तक गया है ये। और देखिए किस प्रकार ये इस मिट्टी के ढेर में अपना आशियाना बनाए बैठा है ये। एक देखने इसका मुंडी किधर है ये, और ये इसका पकड़ो क्या, इसका मुंडी पकड़ो क्या आप, इसका मुंडी पकड़ो, थोड़ा आराम से ना, दबाना मत जोर ज़्यादा जोर से। और देखिए कैसे, और देखिए कितनी गहराई तक ये अपनी बॉडी को फंसा के रखा है ये इस ढेले में। तो चलिए इसे हम निकालते हैं यहाँ से, और देखिए किस प्रकार ये अपनी बॉडी को यहाँ ढेले में फंसा के, तो आइए लेके चलते हैं हम इसे छांव में। दोस्तों इसकी लंबाई होगी लगभग 7 फीट होगी ना भैया, ये 6 से 7 फीट की लंबाई है ये, और वज़न होगा कम से कम वही 8 से 10 किलो का। और दोस्तों इस सांप को पकड़ने में हमारे टिल्लू भैया ने हमारी बहुत मदद की है, तो चलिए इसे हम ले चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे, हाँ पीछे चलते हैं अपन छांव में। धूप काफ़ी तेज़ है दोस्तों, और हम भी थक गए हैं, और साथ में ये सांप भी। और यहाँ पे बोली करने वाले जो हमारे मजदूर हमारी माताएं बहनें हैं वो भी थक गई हैं। दोस्तों हालांकि ये सांप पूरी तरह से नॉन वेनमस है, पर जो इसकी जो पकड़ होती है काफ़ी मजबूत होती है। और देखिए इसका कलर सर से लेके इसकी पूंछ तक, इसकी बॉडी को देखिए आप, इसी प्रकार से ये बिल्कुल पत्तों में झाड़ियों में छिपा होता है, और जब कोई शिकार इसकी रेंज में आता है तब ये लपक के उसे अपने गिरफ्त में अपने जबड़ों में कस लेता है। आइए अब हमको दिखाते हैं आपको इसके वो मजबूत जबड़े, वो दांत जिससे ये शिकार को, ये देखिए इसका आरीनुमा जो ये दांत है ये अपने शिकार में पूरी तरह से ऐसे ही घुसता है, जब ये तो इनकी जकड़ से इनके शिकार का बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। देखिए किस प्रकार ये अंदर एकदम आरी की तरह मुड़ा हुआ है। हम पैक करते हैं, ये ले जाइए तो बोरा और काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार हमने क्या सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया यहाँ पे और पैक कर लिया है। अब ले चलते हैं हम इसे इनके प्राकृतिक पर्यावास में ताकि ये भी बचे रहें।
और इससे इंसान भी बचे रहे। तो दोस्तों अभी जिस अजगर का हमने रेस्क्यू किया था उन्हें हम वन अधिकारियों के साथ साथ में हैं हमारे विकास सर और सूरज जी ले आए हम उनके प्राकृतिक पर्यावास में रिलीज करने। तो चलिए तो यही छोड़ दे सर इसको। देखिए कैसे धीरे 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 हमारी आंखों से ओझल होता हुआ ये। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने अजगर को उसके प्राकृतिक पर्यावास में रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के खूबसूरत जीवों को बचाते हुए। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।